और अब आज चमोली के रेणी गांव की हम कर ही रहे हैं। ये वो गांव है जहां पावर प्रोजेक्ट के सबसे करीब है और यहीं सैलाब का पानी सबसे पहले पहुंचा था। स्थानीय लोग रविवार की घटना को याद कर अभी भी कांप जाते हैं। इस गांव के कई लोग लापता हैं। गांव के लोग सरकार और प्रशासन से लापता लोगों को जल्द ढूंढने की मांग कर रहे हैं। नीचे गहरी खाई और ऊंचाई पर चमोली का रैणी गांव। ये वो गांव है जिसने सैलाब का सबसे ज्यादा सितम झेला है। सैलाब के 3 दिन बीत चुके हैं, पहाड़ का पानी तो निकल चुका है, लेकिन ये लोग दुख, दर्द और गम के आंसू में आज भी डूबे हुए हैं। रविवार को आए सैलाब में इस गांव के कई लोग लापता हैं। वो अपनों को तलाश रहे हैं। हम इस वक्त रेणी गांव में हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां पर भी कई लोग मिसिंग हैं और यहां जिस तरीके से ब्रिज जो टूट गया है तो एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क टूट चुका है। देखा जाए तो ये जो रेणी जो गांव है करीब 80 से 85 यहां पर घर हैं और दोनों साइड रेणी गांव है, लेकिन यहाँ गांव के जो लोग हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे नहीं जा पा रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ सामने बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रोड की कनेक्टिविटी हो, कब इधर वो आए। लेकिन रेणी के गांव के लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि संपर्क टूट गया है, किस तरीके से यहाँ ज़िंदगी चल रही है। हम गांव में आपको लेकर के चलेंगे, गांव के लोगों से बात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने देखा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी फ्लड की। सबसे ज़्यादा यहीं पर पानी का काफ़ी तेज़ी से फ्लो हुआ था और लोग काफ़ी डरे हुए थे। सबसे पहले तुलसी से मिलिए। इन्होंने रविवार के सैलाब को अपनी आंखों से देखा और जो देखा उसके बाद से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाल पाई है। तुलसी जी, आपने क्या देखा था यहाँ पर, किस तरीके से? हमने तो वही देखा बेटा, सरपुर आया, हमने सोचा अभी हम दब जाएगा। हम खाली ऐसे रहा, खाली ना खाना खाया ना हमने घर में, उस दिन से हमारा खाना खाने के मन नहीं। रैणी गांव की रहने वाली ममता की हालत भी कुछ ऐसी ही है। सैलाब को देखकर वो इतना डर गई कि उन्हें तो ऐसा लगा कि उनके हाथ पैर टूट गए हैं। क्या आपने देखा था उस दिन, क्या हुआ था? हमने जिस दिन ऐसा वो आया उस दिन तो मतलब उससे पहले हमने ना ऐसा कभी ऐसा देखा था, सिर्फ टीवी में देखा था। जब हमने रियल लाइफ में देखा तो हमारे तो कुछ करने की कुछ मतलब हाथ पैर ऐसे टूट जैसे गए थे, कुछ सोचने तक का क्षमता नहीं था कि हम कुछ कर सके बोल के, तो लोग को जाने की तो हम कहाँ से सोच सकते थे। इस टाइम पे वो ऊपर से आया तो आपदा आई उस टाइम पे हम यहाँ पे, तो हमने सोचा कि मतलब पत्थर इस तरह से उछल रहे थे कि मानो कि पूरा गांव ही ले गया था वो उस टाइम पे। उस टाइम तो हमें हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ से ऊपर गांव तक चल पाए। इस गांव का भी कोई गायब है? जी सर। कितने लोग गायब? दो लोग गायब। हाँ, ये बलवंत राणा है। सैलाब के पानी ने तो इनके घर को ही तबाह कर दिया। छोटा भाई रणजीत सिंह राणा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनका भी कुछ पता नहीं है। आखिरी बार इनके भाई रणजीत सिंह राणा को फोन की घंटी बजी थी, इसके बाद से फोन ऑफ है। पंप मैग्नेट तो मिसिंग हो 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से मिसिंग है। जिस दिन फ्लड आया कोई मोबाइल वगैरह पे आपके बात हुई किसी दिन? ना, मोबाइल की उसकी एक बार घंटी गई, उसके बाद मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, फोन आया था उनका? फोन नहीं, हमने किया था मतलब। ओके। रिंग किया था जब ये हादसा हुई थी, तो उस टाइम हमने एक बार रिंग की थी कि कहाँ है कैके, तो उस टाइम उसके बाद एक रिंग जाने के बाद फोन बंद हो गया। रणजीत के दोस्त भी सरकार से सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि उनके दोस्त को ढूंढ दीजिए। पीछे नहीं आ सकता, अब बड़े भाई हैं हमारे, अकेले हैं कमाने वाले। अब इनका दर्द समझिए, अभी नीचे रो रहे थे, ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में हमारे 2-3 भाई थे, यहाँ से सामने लाता के भी भाई थे, वो भी ख़त्म हुए हैं, तो उनके घर जाके कवरेज कीजिए। मीडिया से मेरा यही अनुरोध है कि उनको हक दिलवाइए उनका। बिल्कुल, हम आवाज़ ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान हैं और जिस तरीके से बलवंत राणा कहना है कि उनके भाई मिसिंग है, इस प्रोजेक्ट में वो लगे हुए थे। ये रमैया सिंह हैं। जिस वक्त सैलाब आया ये अपनी सास के साथ थी, लेकिन सैलाब खत्म हुआ तो ये अकेली थी। सैलाब इनकी सास को बहा ले गया या वो मलबे में दब गई। डर की वजह से कुछ भी अच्छे से बता ही नहीं पा रही है। मैं सास और मैं साथी थे, हम घास को गए थे, तब तक ऊपर से बहुत मलमा आया,
मेरे सास थोड़े नीचे में थे, वो सास दब गई, मैं भाग के आई ऊपर, ऊपर अभी तक मेरे सास लापता है, मेरे सास को निकालने की कोशिश कर दो सरकार से। जब हुआ आप साथ में थी, हाँ। क्या हुआ था, कैसे, आप कहाँ पे थी और आपकी सास कहाँ पे थी? साथ थोड़ी इधर में सास थी, थोड़ी में इधर की साइड में थी। अच्छा, पानी आया अपना ऊपर से पहाड़ टूट के आया, भयंकर पहाड़ टूट के आया, कोई पता ही नहीं चला कहाँ दौड़ना, मैं हवा से उड़ के इधर आई मैं, तब मैंने सास को भी नहीं देखा, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, उसके बाद मेरे को पता नहीं चला, मैं पता नहीं कैसे उभा हुआ से भाग भाग के आई मैं यहाँ तक, मैंने मेरा सांस ही बंद हो गया। प्रेम सिंह अपनी माँ के लापता होने से सदमे में हैं, बस सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी माँ को ढूंढ दिया जाए। मेरे मैडम और माता जी गए थे कि मैं और अचानक फ्लड आ गया और बह गए, तो ये तो अपने जान बचा के यहाँ तक पहुँच गए, उनको कोई पता नहीं चला कि मतलब क्या हो गया, क्या फिर हमको न किसी से बात करने का मौका मिला, हम खुद अपने सदमे में, हमें सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे माता जी को भी ढूंढा जाए और जो हमारे गांव से जितने मिसिंग हो रखे हैं उनको भी निकाले। कितने लोग आए आपके गांव से? सर हमारे बगल पे एक रंजीत सिंह है भाई, पलीपार हमारे परिवार से यशपाल है, और एक मौसी का लड़का जो वार्ड से संजय राणा भी मिसिंग है सर। अभी कई ऐसे गांव हैं जहां तक न राहत कर्मी पहुंच पाए हैं और ना ही स्थानीय लोग, बस ये सरकार से मांग कर रहे हैं जो जीवित हैं उन्हें बचा लिया जाए और जो जिंदा नहीं बच पाए हैं उनके शवों को ढूंढ लिया जाए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, रेणीगांव, उत्तराखंड। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।